शेख फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 29 जून वेडनेसडे 2022, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से सेंट मैरीज स्कूल ICSE तालवाड़ी मजगांव मुंबई नंबर 10, जब से इन्होंने इनके स्टूडेंट्स के फ्यूचर से खेलना शुरू किए, बच्चों के प्लेग्राउंड को RCC कोबे में तब्दील किए, तो लास्ट 2 मंथ से मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहा हूं इस स्कूल के खिलाफ, क्योंकि मुझे जब से इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो प्रिंसिपल है, ट्रस्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये स्कूल के, इन्होंने जो रेड मठ का ग्राउंड था और उसको RCC कोबा बहुत ज्यादा थिकनेस में कन्वर्ट किए, तो मैं जानकारी लेने की कोशिश किया, मैंने RTI डाला, मैंने रिटन कंप्लेंट डाला और मैं एक ही चीज पाना चाहता था कि ये जो स्कूल होती है और इनका जो प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड जो होता है स्कूल के जो स्टूडेंट है, माइनर स्टूडेंट है, बच्चे उनके खेलने के लिए होता है, तो ये जो स्कूल के ट्रस्टी, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट ये प्लेग्राउंड को भाड़े पे दे सकते हैं शादी के लिए, शूटिंग के लिए, रिसेप्शन के लिए, पार्टीज के लिए। तो मैंने साउथ मुंबई की जितनी भी वार्ड है ABCDE, एफ साउथ, जी साउथ, एफ नॉर्थ, जी नॉर्थ वगैरह, ये वार्ड को मैंने RTI डाला जिसकी ये कॉपी है, और उसमें मैंने एक ही चीज पूछा इन सारे वार्ड्स के असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, इनके असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस, इनके असिस्टेंट इंजीनियर वाटरवर्क्स और इनके मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट से मैंने एक ही चीज पूछा, काइंडली प्रोवाइड द MCGM सर्कुलर कॉपीज फॉर अलाउिंग मैरिज सेरेमनी, फंक्शन, पार्टीज, शूटिंग, रिसेप्शन अबाउट द स्कूल प्लेग्राउंड। काफी वार्ड ने उल्टा सुल्टा जवाब दिए, कोई यहां भेज रहा, कोई वहां भेज रहा, कोई वहां भेज रहा, लेकिन आखिरकार जो मुझे चाहिए था वो कॉपी मुझे मिल गई। मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट, एफ नॉर्थ वार्ड, फोर्थ फ्लोर, 96 भावदाजी मार्ग, माटुंगा ईस्ट, मुंबई नंबर 19, इसने मुझे एक कॉपी दिया, RTI की रिप्लाई दिया, और इसमें इसने क्लियर कट लिखा, नो परमिशन इज गिवेन फ्रॉम दिस ऑफिस टू स्कूल स्टॉक कॉलेजेस फॉर अलाउिंग मैरिज सेरेमनी, फंक्शन, पार्टीज, रिसेप्शन अबाउट दी स्कूल और कॉलेज प्लेग्राउंड। तो यानी कि अब ये जाहिर हो गया, ये साफ हो गया कि MCGM कोई ऐसा परमिशन नहीं देती है स्कूल को, ट्रस्टी को, मैनेजमेंट को, कि उनका जो प्लेग्राउंड है जो बच्चों के लिए होता है वहां पे पार्टी रखे, शूटिंग रखे, शादी रखे, रिसेप्शन रखे। तो अब सिटीजन में बेदारी होना चाहिए, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा उससे सवाल नहीं, आप सिटीजन ऑफ मुंबई हो और आप देख रहे हो कि जो स्कूल का प्लेग्राउंड है इसको ट्रस्ट ने, प्रिंसिपल ने, मैनेजमेंट ने उस स्कूल के कमाई का जरिया बनाए, ये बच्चों का प्लेग्राउंड ये लोग शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए, शूटिंग के लिए, फंक्शन के लिए देते थे जिससे हजारों लाखों रुपया कमाते थे। शादी सपोज सैटरडे हुई या संडे हुई तो मंडे तक तो प्लेग्राउंड बराबर होने वाला नहीं, और अगर ये प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, ट्रस्टी अगर ये कमा रहे हैं तो ये कमाई पूरी की पूरी इन बच्चों को देना चाहिए और इनकी स्कूल फीस हमेशा के लिए माफ होना चाहिए क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा है। तो अब ये जो रिप्लाई आया है एफ नॉट वार्ड ऑफिस से, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट माटुंगा मुंबई नंबर 19, तो इसके तहत अब साउथ मुंबई की कोई भी स्कूल के प्लेग्राउंड में कोई शादी नहीं होगी, और अगर होते हुए आपने देखा या आपको इन्फॉर्मेशन हो रही है कि शादी होने वाली है या शादी हुई, उसका क्लिपिंग लीजिए, मुझे भेजिए, हमारे फॉरेन के न्यूज पे भेजिए, फिर उसके बाद हम अपनी हदों जगह कोशिश करेंगे उस स्कूल का
रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की। खुदा कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने कितने चिरागों का हौसला हूं मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।